सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम श्रीनगर। और आज का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही स्लो स्टार्ट है, और स्लो स्टार्ट है बट लंबा। जब कभी आपको लंबा जाना होता है तो आप स्लो स्टार्ट करते हो, तो इसीलिए आज का दिन का भी जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत स्लो स्टार्ट हुआ है। समय हो चुका है 9 और अभी तक हम रेडी नहीं हुए थे, जस्ट अभी रेडी हुए हैं। अब नीचे जा करके जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से पलायन करते हैं। 2 दिन से हम यहीं पर रुके हुए थे। अमेजिंग स्टे यार, अमेजिंग स्टे, और बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा खाना। अगर आप आ रहे हो यार श्रीनगर ना, तो दिस इज़ वन प्लेस विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और आप आओ और देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ वन प्लेस वेर यू वुड लाइक टू एक्सटेंड योर स्टे। हमारा प्लान था 1 दिन के रुकने का, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था खाने में, एंड देन दिस स्टे वॉज सो कोजी एंड कम्फर्टेबल कि हमें लगा नहीं चलो ठीक है 1 दिन और स्टे करते हैं। फिलहाल के लिए सामने देखो धूप निकल चुकी है, अब जो है निकलने का टाइम हमारा भी आ गया है। धूप निकलने के साथ साथ हमारा भी निकलने का टाइम आ गया है। लेट्स गेट रेडी, हैव आवर ब्रेकफास्ट। सारा बैग वैग पैक्ड है हमारा और जाने के लिए तैयार हैं हम। अब शुरू करते हैं आज की जर्नी, नीचे चलते हैं, सामान वामान अरेंज करते हैं, चलें। चलो श्रीनगर से निकलते हैं और अपनी जर्नी को आज शुरू करते हैं फुल ऑन एनर्जी। जिस तरीके से धूप आगे चिलचिलाती हुई निकली हुई है ना, उसी तरह से अपनी एनर्जी भी लेवल है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 दिन में हमने बहुत कम ट्रेवल किया, मतलब लास्ट डे जो है कल हमने बहुत कम ट्रेवल किया था और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस था, तो इसीलिए जो है आज हमारा एनर्जी लेवल भी वापस से जो है रिगेन्ड है। और यही चाहता भी था मैं कि एटलीस्ट घर जाने से पहले ना, मतलब घर की तरफ बढ़ने से पहले, रिटर्न जर्नी शुरू करने से पहले जो है हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए, सो दैट ना कि ऐसा ना लगे कि यार वापस जा रहे हैं और बिल्कुल थके हारे जा रहे हैं। तो चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं और निकलते हैं जम्मू की तरफ। आज हम बताएंगे आपको श्रीनगर से जम्मू का जो रास्ता है वो कैसा है, और रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही थी कि क्या वो रास्ता ख़राब हो रखा है, एक आध जगह जो था वो लैंडस्लाइड भी हुआ था, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में बताते हुए जाऊँगा। रियल ऑफ रोडिंग इसी को बोलते हैं कि जब ट्रैफिक जैम लगा हुआ हो और आपके पास ऐसी गाड़ी हो जो कि ग्राउंड क्लियरेंस वाली हो ना, तो फिर आपको उतना सोचना नहीं पड़ता है और आप जो है कुदा देते हो लेफ्ट साइड में। तो यही बात थी जो मैं बता रहा था, और कोई बात नहीं। चलो एंडेवर वाले भैया आप ही के पीछे चल रहे हैं, आप 210-220 ग्राउंड क्लियरेंस हो, हम तो 200 ही हैं। रुक जाओ भैया, हाँ थैंक यू ट्रक वाले भैया। जाना कहाँ है, सीधे ही तो जाना है हमें। सो हम पहुंच चुके हैं बनिहाल टनल पे, नॉर्थ पोर्टल है ये, और निकलेंगे साउथ पोर्टल पे। वेलकम। तो भाई बता दूं कि यहां तक पहुंचने में हमें 2 जगह ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा, और दोनों ही जगह जो है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के लगभग का ट्रैफिक जैम था, तो दोनों ही जगह हम आराम से निकल गए, कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिलहाल के लिए अभी तक की जर्नी जो है वो सो चल रही है। हम जितना टाइम था एक्सपेक्टेड उससे 40 मिनट डिलेड हुए हैं अभी तक। मैं आपको ना एग्जैक्ट टाइम बताता जाऊँगा कि कितना समय और लगता गया। लो जी फाइनली निकल गए हम बाहर ऑलमोस्ट। धुआं धुआं था यार अंदर, बहुत ज़्यादा धुआं था। तो भाई ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं, हमने 1 घंटा लगा दिया, मतलब वहाँ 20-20 मिनट देखा था, अनदर 30 मिनट्स टू बी एडेड टू दिस ट्रिप। और अब जो पहुँचने का टाइम दिखा रहा है वो 2:30 बजे का दिखा रहा था, अब 4 बजे का दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 1.5 घंटा जो है लग गया। हमें वहाँ पे 40 मिनट लगा था, यहाँ 50 मिनट के लगभग लग गया। बनिहाल के जस्ट पहले है यहाँ पे, ये ट्रैफिक आप देख के समझ ही सकते हो कि ये कौन सा स्ट्रेच है और कहाँ का बात कर रहे हैं हम, कहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो भाई साहब यहाँ दिक्कत यही है ना कि एक साइड से तो गाड़ियाँ आ रही है और वही फिर वो दूसरा लाइन लगा देते हैं, फिर तीसरा लाइन लग जाता है, उस कारणवश क्या हो रहा है ना कि ट्रैफिक खुल नहीं पा रहा है। तो यही वो नॉर्मल सी समस्या है जो हर जगह होती है कि एक लाइन लगता है, फिर सेकेंड लाइन लग जाता है, फिर थर्ड लाइन लग जाता है, रोड ब्लॉक एक साइड से, दूसरे वाले जा ही नहीं सकते। तो अगर एक एक लाइन लगा रहे ना तो बहुत ईजिली जो है ट्रैफिक मूव कर जाता है। तो लकीली अब यहाँ पे आर्मी एंड ऑल इन आ चुकी है, तो दे विल
बी टेकिंग केयर फ्रॉम हेयर और हर किसी को जाने देंगे अब, मतलब एक एक, एक लाइन लगा दिया है उन्होंने, जो भी साइड में थे उन सबको साइड हटाया गया है। तो भाई साहब इस साइड से जो एंट्री हो जा रही है ना, जिसके कारण जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा होगा, जिसके कारण जो है जो पूरी ट्रैफिक रुक गई, अदरवाइज रुकने का कोई मतलब नहीं था। देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो दिखा रहे होंगे, मतलब दिख रहा होगा ना, वो लोग थोड़े से मतलब ज्यादा काबिल हैं तो इसलिए उनको रोक दिया गया और बहुत सही किया गया, सो दैट की ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो साफ सुथरा हो सके और सही तरीके से हो सके। यहाँ पे इनको रोक दिया गया है, उसके बाद फिर देखो दोनों साइड की ट्रैफिक आराम से मूव कर रही है। तो भाई साहब स्पेसिफिकली रामबान जो कि बहुत फेमस है जैम के लिए, और यहाँ पे जो है वो जैम लगा हुआ है, आप देख सकते हो ट्रैफिक पुलिस पूरी मशक्कत कर रही है। लेकिन यार लोगों की आदत इतनी खराब है ना, इतनी खराब है, और ये सिर्फ जैम पर्टिकुलरली सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि एक रोड है सिंगल लेन, उसमें दूसरा लाइन तीसरा लाइन बना देते हैं, उधर से आने वाले के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे ये एक जो है ना बहुत बड़ा काबिल इंसान है भाई साहब, मतलब माना ही नहीं ना, ये बीच में क्रॉस करते हुए जस्ट मेरे पीछे था, ये बीच में क्रॉस करते हुए नंबर देख लो भाई, अगर देख रहे हो तो आप बीच में क्रॉस करते हुए और ऊपर आगे आ गया, जिसके कारण अब जो है सामने वाली ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल से रुक गई है। तो भाई इन जैसे लोगों के कारण ना पूरा पूरा जो है ना ट्रैफिक दो दो घंटे जो है ना सब खड़े होकर वेट करते हैं यार, मतलब पता नहीं क्या करके मानेगा, यहाँ रोक करके ये क्या करना चाह रहा है पता नहीं। यही है चेनानी टनल के जस्ट पहले का भसड़, जो लास्ट टाइम भी जब आया था तो यहीं पे भसड़ थी और इस बार भी जो है यहीं पे भसड़ मची हुई है यार, मतलब उस साइड से आने वाले ना कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बाप रे, मतलब क्या ही किया जाए ना। अब हमें जाना किधर है, उस साइड जाना है, हाँ उधर ही जाना है। भगवान जाने भाई क्या मजा आता है उनको इस कदर भसड़ मचा करके ना। यहाँ पे टोल कटाओ और निकल लो, आधे लोग उधर से इधर भी अलग फंसे पड़े हैं यार, गजब है गजब है। ये कुछ तो करना चाहिए इसका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में आपका स्वागत है। वाह, इसको बोलते हैं जैम लगना है ना, यहाँ से लेके वहां तक कहाँ घुस रहे हो भाई, देख रहे हो। तो भाई इन जैसे क्या बोलूं, अपना लेफ्ट मतलब आई मीन राइट में जा करके और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर जब सामने से ट्रैफिक आ जाती है तो फिर इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के चलते ना बहुत परेशानी है यार, मैं ना क्या बोलूं, मतलब यार मैं क्या ही कर सकते ना, मतलब छोड़ो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन को आपको क्या बताऊं, बट हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बस इतना ही बोलना चाहता हूं, नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब आप 2 सेकंड 2 मिनट बचा करके पता नहीं वहां जा करके आप एकदम क्या करोड़पति बन जाओगे, भगवान जाने यार। भाई रात के बज चुके हैं 7:40 और गूगल ने हमें ना एक अलग ही रास्ता दिखा दिया, मुझे ना शॉर्टेस्ट रूट मतलब गूगल ने दिखाया, और मुझे एक्चुअली जम्मू होते हुए जाना चाहिए था, NH 44 को नहीं छोड़ना चाहिए था, बट मैंने गलती कर दी और उधमपुर मंसार कोई रोड है उस पे ले लिया मैंने, और रोड की कंडीशन भी बहुत खराब है यार, बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप आ रहे हो और गूगल कभी सजेस्ट भी करे तो ध्यान रखना कि NH 44 को नहीं छोड़ना है और NH 44 से ही आना है, क्योंकि वो 4 लेन है, और दूसरा यार वो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, उसमें खाने पीने और रुकने की भी जगह है। यहाँ तो यार ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के डिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है यार, दूर दूर तक घने जंगल हैं और कुछ भी नहीं है। रोड भी ठीक होता ना तो भी लगता कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं है, रोड भी बिल्कुल ही बेकार है। तो भाई साहब गाड़ी को लगा दी यहाँ पे हमने, और टाइम हो चला था 8:30, तो सोचा एक ब्रेक लेते हैं, हमें नहीं पता था भाई कि हमें यहाँ पे 1 बाइट के पास रुकना पड़ेगा, बट हाँ चलो एक यार पी ब्रेक लेना था। भाई टाइम हो चला है 10:26 और हमारे लिए एक कॉफ़ी आया है, एक बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज, गाड़ी अपनी मोहम पे लगी हुई है, हम रुक गए थे यहाँ पे वापस से। अब यहाँ से जो है डिस्टेंस है वो 400 something kilometers का है, तो उसे पूरा करना था, मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जब से निकला था श्रीनगर से कहीं रुका नहीं था तो ये ब्रेक बनता है, उसके बाद फिर अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे। अब जो नाइट की ड्राइव होगी वो लंबी होगी, इसीलिए मैंने सोचा एक ब्रेक विद अ कॉफ़ी वो ज़रूरी है।
चलो जी, यहाँ से अब निकलने का टाइम हो चुका है और टाइम हो गया 11 बजे, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटे के लगभग हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया और ठीक था। थोड़ा सा रेस्ट लेना भी जरूरी था क्योंकि सुबह से जो निकले थे वो कहीं भी बीच में यार रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिला। जहाँ पे ट्रैफिक जाम था वहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ रहा था ना तो वो आफत ही था, मतलब बेसिकली कहीं पे मिल नहीं पाया उस हिसाब से रेस्ट ना, तो यहाँ पे रेस्ट लेना अनिवार्य था जो कि हमने ले लिया। अब फिलहाल के लिए जो है यहाँ से निकलते हैं फटाफट और डिस्टेंस जो है वो है 516 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ज्यादा है यार, और 8 घंटे 16 मिनट लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने में, दैट इज आवर होम। तो चलो भाई शुरू करते हैं नाइट ड्राइव यहां से। रात के 11:24 टू बी वेरी प्रिसाइज और डिस्टेंस 482 किलोमीटर। पूरा रोड खाली पड़ा है यार, पूरा रोड खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ एकाद दुक्का ट्रक जो है जा रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है यार ड्राइव करने में। पहले जो नींद आ रही थी हल्की हल्की कॉफी पीने के बाद, वो नींद भी उड़ गई है, तो इसलिए अब जो है ना ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है। 100 पे क्रूज सेट कर दिया है, आराम से जो है बिल्कुल धीरे धीरे करके हम बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी राइट हैंड साइड पे एक जानवर पड़ा हुआ था, तो कॉशियसली चलाना है रात में, ऐसा नहीं कि खाली रोड दिख जाए तो बिल्कुल ही ताबड़तोड़ स्पीड पकड़ लेना है। तो भाई 2:30 और हम लोग जो है अंबाला पहुंच चुके हैं, सो लेट्स हैव अ ब्रेक और थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं यहाँ पे और एक कॉफ़ी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और आ चुके हैं अपने बरिस्ता अड्डे पे। अब यहाँ से एक आइस लाटे लेते हैं एंड देन फिर निकलते हैं ना फटाफट। टाइम हो चुका है 2:23 भैया, गुड मॉर्निंग हो गया, आइस लाटे एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो भाई यहाँ पर कॉफ़ी ले लिया हमने और अब वापस से निकलते हैं। यह हमें घर तक पहुंचा देगा, ऑलमोस्ट 3 बजने जा रहा है, यहाँ से 3 घंटे के लगभग मेरे ख्याल से 6-7 बजे के लगभग हम अपने घर पे होंगे उम्मीद है। चलो स्टार्ट करते हैं, सिप करना और आगे जर्नी। ये भैया भी बोलते होंगे रात में आकर के ये लोग परेशान कर देते हैं भाई। चलो जी निकलते हैं, अपना अंबाला का धनुष। सो यहाँ से टाइम जो लगना है वो है 3:43 टू बी वेरी प्रिसाइज और डिस्टेंस जो है वो 221 किलोमीटर। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वेलकम टू दिल्ली। उस पहाड़ से कंपैरिजन करते करते ना यहाँ अभी पहुंचे हैं, तो पहाड़ पे ही पहुंचे हैं यार। तो फिलहाल के लिए टाइम हो चुका है 5 बजे सुबह हो रखा है और दिल्ली में हम एंटर कर रहे हैं यार। ETA दिखा रहा था गूगल 7:30 का और हम 5 बजे के लगभग जो है दिल्ली एंटर कर गए हैं। गॉड ब्लेस यू। तो समझ सकते हो कि मैंने कितने देर का, दोबारा से गॉड ब्लेस यू टू है ना, तो हमने कितने देर का कवर अप किया फिर, ऑलमोस्ट 2 घंटे के लगभग का कवर किया। और उसमें भी जो है बीच में रुक करके कॉफ़ी लेना, देन वॉशरूम जाना, एक बार नींद आ रही थी तो उतर करके मुंह धोया, तो ये सारी चीज़ करते हुए भी जो है हम 2 घंटे के लगभग बचा लिए। इसका मतलब है अगर हम सुबह 5-6 बजे भी निकले होते ना तो 12 बजे तक यहाँ घर पे होते यार,
हमने जो है निकलने में देरी कर दी और सारा ट्रैफिक जो है आ चुका था रोड पे। इसीलिए एडवाइजेबल है कि अगर आप कहीं भी निकलते हो ना तो सुबह 5-6 बजे निकल जाओ, तो आपको जो है ना ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप इस तरह जो है मिडनाइट में कहीं पे भी ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चीज ऑमलेट खाने के लिए ना रुके। हाँ ये सही बोला, चीज ऑमलेट खाने के चक्कर में जो है ना हमने पूरा पूरा जो है रात जो है ड्राइव करने में निकाला। बट ठीक है यार, अगर दिन में ड्राइव कर रहे होते तो ट्रैफिक दम भर के मिलता ना, मतलब पूरे मन से मिलता। रात में कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिला हमें, बिल्कुल ही खाली मिला और हम जूम बराबर जूम 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 करते हुए आ गए और ये पहला रेड लाइट और हमें रुकना चाहिए। अरे रिक्शा वाले भैया आप तो निकल गए, ऐसा क्यों? अरे ऑटो वाले भैया भी निकल गए, हम भी निकल जाएं क्या? कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई दिल्ली आ चुके हैं भाई, गजब है। वैलिड नहीं है क्या अभी 5 बजे से पहले, मतलब 6 बजे से पहले? चलो जो भी है चलते हैं भाई, हम भी निकल लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो जो गाड़ियां जा रही है ना, वो G20 समिट की गाड़ी है और भाई साहब क्या गाड़ी है। और सारी जो है ना हमारा जो है वो राइट हैंड ड्रिवन होता है, ये सारे लेफ्ट हैंड ड्रिवन है। तो भाई जाने देते हैं, जाने दिया। पता नहीं यार वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो पहले उन्हें जाने देते हैं। उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है भाई, बोल तो ऐसे रहे जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है। नहीं मतलब हर देशवासी अगर एक एक ऐसे सोचे तो फिर भाई देश का कल्याण तो हो ही जाता है ना। अगर आपने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं यार उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो उनको पहले जाने दो, कोई बात नहीं है। भाई फाइनली पहुंच गए अपने घर को। चलो जी खत्म होता है हमारा ट्रिप, बहुत लंबा ट्रिप, ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर। कितने स्टेट्स? पंजाब, हरियाणा, देन हिमाचल भी टच किया हमने, देन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। चलो भाई करते हैं इस वाले एपिसोड को यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सीरीज आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी एक नई ट्रिप के साथ। टिल देन गुड बाय।